हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए आज की WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और धमाकेदार अपडेट, जहाँ पर बात करेंगे एजी स्टार्स का क्या कहना है उनके रेसलमैनिया 35 के ड्रीम अपोनेंट के बारे में, और साथ में हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस की लेटेस्ट मेडिकल कंडीशन के बारे में चुकी हैं TLC के पेपर व्यू के बाद। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मर WWE चैंपियन दी फिनोमिनल वन एजी स्टार्स के बारे में, और एजी स्टार्स का क्या कहना है कि वो कौन से सुपरस्टार से फेस करना चाहेंगे, कौन सा उनका ड्रीम अपोनेंट होने वाला है रेसलमेनिया के लिए। तो रिसेंटली हुआ था एजी स्टार्स का इंटरव्यू, जहां पर फाइनली उन्होंने इस बात को रिवील कर दिया है, और उनका कहना यह था कि उनका एक सरप्राइज अपोनेंट है TLC के पेपर व्यू के बाद रेसलमेनिया 35 के लिए, और वो अपोनेंट होने वाले हैं NXT के सुपरस्टार, जिनका जल्दी हमें मेन रोस्टर में डेब्यू देखने के लिए मिलने वाला है, और ये सुपरस्टार होने वाले हैं EC3, जिसको सुनने का मैं भी थोड़ा बहुत शौक हूँ, थोड़ा बहुत सरप्राइज हूँ कि यहाँ पर वो चाहते कि वो EC3 का फेस करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एजी स्टार्स ये चाहते हैं कि वो NXT के सुपरस्टार को प्रमोट करें, ताकि वो आगे भी WWE को इसी तरह चलाते रहे, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एजी स्टार्स का कहना सही है और उन्हें NXT के सुपरस्टार EC3 का और ऐसे कई कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स का फेस करना चाहिए। कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपका चाहते हो कि एजी स्टार किसका फेस करें रेसलमेनिया 35 में। लेकिन इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आज की हमारी मेन अपडेट और सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन द बिग डॉग रोमन रेंस के बारे में, और रेंस की लेटेस्ट मेडिकल कंडीशन के बारे में, जो कि है TLC के पेपर व्यू के बाद। तो रिसेंटली मैंने आपको बताया था किस तरह से अब WWE चाहती है कि जो रोमन रेंस की मेडिकल रिपोर्ट वगैरह बिल्कुल भी रिवील ना हो, ताकि जो उनका वापसी का टाइम है कोई भी सुपरस्टार, कोई भी जो कह सकते हैं न्यूज रूमर्स वाले हैं, वो गेस ना कर सकें। लेकिन रिसेंटली आपको बता दूं, सेथ रॉलिंस ने कर दिया इस बात को रिवील कि किस तरह से चल रही है रोमन रेंस की रिकवरी। जब उनका रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था, उनका कहना यह था कि वो हर हफ्ते फ़ोन करते हैं रोमन रेंस को, और यहाँ पर वो रेसलिंग के बारे में बात नहीं करते हैं, यहाँ पर वो बिजनेस के बारे में बात नहीं करते, बल्कि वो बात करते हैं रोमन रेंस की कंडीशन के बारे में। और साथ ही साथ उनका कहना यह था कि एक अच्छी न्यूज़ है कि रोमन रेंस काफ़ी अच्छी तरीके से रिकवर कर रहे हैं, और मैंने रोमन रेंस को ये भी कहा है, साथ ही साथ रॉलिंस ने ये भी कहा कि रोमन रेंस बिल्कुल भी हेडेक ना लें, क्योंकि रोमन रेंस के जाने के बाद काफ़ी अच्छी तरीके से सेथ रॉलिंस भी फिलहाल कंपनी को संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर कह सकता हूँ एक तरह का सेथ रॉलिंस ने कर दिया इस बात को रिवील कि रोमन रेंस अच्छी तरह रिकवरी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ है रोमन रेंस के फैंस के लिए कि कहीं ना कहीं जल्दी रोमन रेंस वापसी करने वाले। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जब तक रोमन रेंस पूरी तरह ठीक ना हो जाए वो WWE के अंदर वापसी ना करें। और लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने इस बात को भी रिवील कर दिया कि किस तरह से रोमन रेंस वो काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्ती निभाते हैं अपने एक दूसरे की, चाहे वो WWE के अंदर हो चाहे वो बाहर हो। और साथ ही साथ उनका कहना ये भी था कि वो नहीं चाहते भी फिलहाल रोमन रेंस किसी भी तरह का हेडेक ले। तो यहाँ से कह सकता हूँ सेथ रॉलिंस भी काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं रोमन रेंस के बारे में, और वो भी फिलहाल रोमन रेंस से WWE की किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। और मैं कह सकता हूँ एक तरह का सेथ रॉलिंस है रोमन रेंस के रियल लाइफ में फ्रेंड, तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जब फिर से रोमन रेंस वापसी करते हैं तो क्या कुछ बड़े धमाल हमें रोमन रेंस करते हुए नजर आते हैं। तो बस ये थी रोमन रेंस को लेकर मेडिकल अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को नीचे लाइक किए बिना कहीं मत जाना, साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपके क्या थॉट्स हैं एजी स्टार्स के ड्रीम अपोनेंट के बारे में, साथ ही साथ रोमन रेंस की मेडिकल अपडेट के बारे में। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि फ्यूचर में भी आपको WWE से जुड़ी ऐसी बड़ी और धमाकेदार इंटरेस्टिंग अपडेट जानने को मिलते रहे। तो मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।